टू माई चैनल सिंपल कुकिंग रेसिपी। आज एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि अवन को ये जो ये वाला मॉडल है माइक्रोवेव कन्वेक्शन, इसको हमें प्री हीट कैसे करना है, जैसे अगर उन्हें कुछ बेक करना है। तो उसके लिए ही मैं आपके साथ ये वीडियो आज शेयर कर रही हूँ। तो कुछ जरूरी चीजें हमें ध्यान में रखनी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहां से ही हमारा सारा काम है, कौन सा बटन ऑन करना है, कितने मिनट प्री हीट करना है, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दो रैक्स रहते हैं, एक हाई रैक और लो रैक। तो बेसिकली आज मैं केक बेक करने वाली हूँ, तो उसके लिए हमें ये लो रैक लेना है। इसको आप बराबर से रख दीजिए एंड प्री हीटिंग कैसे स्टार्ट करना है वो भी मैं आपके साथ बताती हूँ। इसको बंद कर दीजिए। ये मेरा, जैसे कि आपको मैंने बताया था, 28 लीटर का है एलजी का, तो मेरे ये मॉडल में कन्वेक्शन मोड है। तो अभी क्या करना है हमें, ये कन्वेक्शन दो ऑप्शन है, एक तो ये कन्वेक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 डिग्री आपको दिखा रहा है। मेरा जो ये माइक्रोवेव ओवन है ये 40 डिग्री से लेके 230 डिग्री तक का इसमें है ऑप्शन, बट केक बेसिकली हम 180 डिग्री पे ही बेक करते हैं, तो मैं इसको 180 डिग्री ही रख रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे ये आप प्लस साइन देख रहे हैं, यहाँ से आप प्लस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बढ़ रहा है 230। अगर आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से, बट मैं अभी 180 डिग्री पे इसको प्री हीट करूंगी। 180 डिग्री यहाँ पे आ गया, कन्वेक्शन मोड आ गया। अगर आप स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है, पहले आपको कोई भी बेकिंग करने के पहले आपको प्री हीट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि केक आपका अच्छा बने या जो भी आप बेकिंग आइटम कर रहे हैं वो अच्छे से बने। तो अभी यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्री हीट हो रहा है। ये ऑलरेडी इनका सेट फंक्शन है, बट मैं इससे इस तरह से नहीं बनाती हूँ। मैं कैसे करती हूँ मैं आपको वो शेयर करती हूँ। इसको मैं बंद कर रही हूँ। अभी क्या करूंगी मैं, कन्वेक्शन मोड ऑन करूंगी, 180 डिग्री पे मैं 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग लगा दिया, 10 मिनट यहाँ पे मैंने डाला, अभी मैं स्टार्ट करूंगी। तो ये इस तरह से मेथड से मैं करती हूँ, हमेशा मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अभी 10 मिनट्स के लिए मैं प्री हीट कर रही हूँ। 10 मिनट यहाँ पे करके हम, आप यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे 11 करना है, 12 करना है, 13, तो इस तरह से आप देख रहे हो तो ये कर सकते हैं। तो वापस से मैं क्लियर कर रही हूँ, वापस से कन्वेक्शन मोड आपको ऑन करना है, 180 डिग्री है, 10 मिनट्स क्लिक करना है। अभी यूजुअली मैं जितना क्वांटिटी केक ले रही हूँ तो मैं उस हिसाब से, मेरे अंदाजे के हिसाब से मैं 10 मिनट के लिए प्री हीट कर रही हूँ और यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो आप देखेंगे अंदर कुछ नहीं है, खाली ही है, सिर्फ मैंने लोअर रैक जो रखा है जिसके ऊपर हम केक टिन रखेंगे वो मैंने रखा है। तो हम 10 मिनट का वेट करेंगे। एंड मेनली जरूरी होता है प्री हीट करना, जिसे केक अगर आप बना रहे हैं तो काफी फ्लफी होता है। जो भी हम बेकिंग आइटम कर रहे हैं तो माइक्रोवेव जो ओवन है उसको हम प्री हीट करके इसलिए रखते हैं, वो उस टेम्परेचर पे पहले से ही रेडी हो और हमें जो डिजायर रिजल्ट चाहिए वो हमें मिले। तो प्री हीट करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी 10 मिनट के बाद हम केक टिन अपना रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि 3 मिनट और है। एक जरूरी बात हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही ये ऑफ होता है, प्रीहीट जो हमने 10 मिनट तक रखा है वो ऑफ होता है, तो हमें वेट नहीं करना है, बिकॉज जब भी प्रीहीट वो टाइमिंग जो खत्म होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली जो फैन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्या उससे क्या होता है, जो प्रीहीट के लिए हमने जो टेम्परेचर सेट किया है वो धीरे धीरे कूल डाउन कम होने लगता है, तो हमें वो नहीं करना है, इससे हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। तो जैसे ही वो फिनिश होता है इमिडिएटली हमें हमारा केक टिन अंदर रखना है। तो जैसे आप प्री हीट ये स्टार्ट करते हैं तो आपका सारा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो ये अभी अभी जो टाइमिंग ये बचा हुआ है 2 मिनट 33 सेकेंड, उसके बाद हम इमिडिएटली हमारा केक टिन रख देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ 6 सेकेंड्स रह गए हैं, तो ये जैसे ही फिनिश होगा, मैंने ऑलरेडी जो केक मिक्सचर बना के रखा है वो हम इसमें प्लेस कर देंगे। आप अगर साउंड सुन रहे हैं तो देखिए फैन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे अभी हम हमारा केक टिन अंदर रख देंगे। तो बहुत संभाल के हमें रखना है, बिकॉज ऑलरेडी ओवन बहुत गर्म होता है। तो ये एकदम बीचों बीच हम रख देंगे। और अब हम वापस से हमें क्या करना है, कन्वेक्शन पे क्लिक करना है। 180 डिग्री मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे टाइमिंग सेट करी, जैसे मैं इसको रख रही 25 मिनट के लिए, तो 20 मिनट मैंने सिलेक्ट किया, देन ये मिनट वाले इससे मोर 5 मिनट, तो ये 25 मिनट करना है और इमिडिएटली स्टार्ट करना है, वेट नहीं करना है, ओके। तो ये हमारा प्री हीटिंग का पूरा प्रोसीजर है। मैं एट दी एंड आपको डायरेक्टली केक का जो है किस तरह से बना है मैं वो आपको दिखाऊंगी।
आप और भी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइए, मैं उस हर एक क्वेरी का वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आपका प्यार ऐसे ही हमारे चैनल के लिए बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि मैंने केक जो बेक किया था उसको मैंने सिंपली डेकोरेट किया है जो भी अवेलेबल आइटम थी मेरे घर पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।